के लिए, पर्पस के लिए, इससे सेंटेंस बड़ा होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस के लिए, पर्पस मतलब कोई ना कोई उद्देश्य बताने के लिए हम टू लगाते हैं, दो सेंटेंस कनेक्ट हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जहां पर भी टू हमने टू लगा देखा, जहां पर भी क्या लगा देखा, टू लगा देखा, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, एरर आ जाए तो ये भी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी टू आता है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आ रहा है समझ? टू के बाद क्या आएगा? अगर वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतनी सी बात क्लियर है? क्योंकि उद्देश्य के अंदर ये वाला रूल यूज होगा, वर्ब के साथ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैसे? उद्देश्य तो काम करना भी तो हो सकता है। जैसे मैं जीता हूं खाने के लिए, कुछ लोग तो खाना खाते हैं जीने के लिए। आजकल दुनिया क्या कर रही है, जीती ही खाना खाने के लिए है। तो मैं क्या कहता हूं, आई लिव, मैं जीता हूं क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए। अब मैं पर्पस बता रहा हूं, मेरे जीने का क्या बता रहा हूं, पर्पस बता रहा हूं, उद्देश्य बता रहा हूं, एक काम करने का उद्देश्य बता रहा हूं। तो बीच में क्या लगाऊंगा, टू, बीच में क्या लगाऊंगा, टू। आई लिव टू ईट, गलत है ये बात, आई लिव टू ईट, मैं जीता हूं खाना खाने के लिए। अब मैं कहता हूं मैं क्लास लगाता हूं सीखने के लिए, मैं क्लास लगाता हूं तो सिंपल, आई अटेंड क्लास क्या करने के लिए, टू लर्न, आई अटेंड क्लास टू लर्न, आसान है, आई अटेंड क्लास टू लर्न। अब आपने बोला मैं क्लास लगाता हूं, आई अटेंड क्लास क्या करने के लिए, टू लर्न। अब यहां पे आई अटेंड क्लास तो सेम रह सकता है, उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। मैं अटेंड, मैं क्लास लगाता हूं तुम्हें देखने के लिए, हो सकता है नहीं ऐसा भी उद्देश्य के लिए। आई अटेंड क्लास टू सी यू, आई अटेंड क्लास टू सी यू, मैं क्लास लगाता हूं मम्मी को खुश करने के लिए, आई अटेंड क्लास टू मेक मम्मी हैप्पी। मैं नहीं लगाता क्लास, मैं मेरी इच्छा से थोड़ा अटेंड करता हूं, मैं कह रहा हूं मैं क्लास लगाता हूं मम्मी को खुश करने के लिए, आई अटेंड क्लास टू मेक मम्मी हैप्पी, टू मेक मम्मी हैप्पी। तो एक काम दूसरे काम पर डिपेंड है, उद्देश्य बताया जा रहा है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, टू। इजी, श्योर, पूछ लो। मैं इंग्लिश बोलता हूं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, आई स्पीक इन इंग्लिश टू इंप्रेस यू। मैं अच्छी तरीके से ड्रेसअप होता हूं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, आई ड्रेस अप, तैयार होना क्या होगा, आई ड्रेस अप टू इंप्रेस। मैं नए कपड़े पहनता हूं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, आई वियर न्यू क्लॉथ्स टू इंप्रेस। मैं पैसे खर्च नहीं करता पैसा बचाने के लिए, आई डू नॉट स्पेंड मनी टू सेव मनी, आई डू नॉट स्पेंड मनी टू सेव मनी। अब पेरेंट्स पैसा बचाते हैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शादी करने के लिए, पेरेंट्स सेव मनी टू टू मैरी यू, पेरेंट्स सेव मनी टू मैरी यू, पूरा बनेगा सेंटेंस, पेरेंट्स सेव मनी एंटायर देयर लाइफ, पूरी जिंदगी तुम्हारी शादी करने के लिए टू मैरी। पेरेंट्स पैसे बचाते हैं तुम्हें अच्छे स्कूल भेजने के लिए, किसका फोन बजा ध्यान से, क्योंकि फिर मैं ले लूंगा फोन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कल भी शब्दों में बोला, आज भी शब्दों में बोला, अब एक्शन करके दिखाना होगा। फिर ये पुष्पा कॉम्प्लेक्स में एक सुर भी मोबाइल वाला है, उससे सही सेटिंग है मेरी, मैं जाता हूँ वहाँ भेज देता हूँ। मैं पुष्पा कॉम्प्लेक्स जाता हूँ, आए मैं वहाँ मोबाइल भेज देता हूँ, आई सेल
फोन मैं पैसे कमाता हूँ आई अर्न मनी आप कुछ आपकी शादी के लिए वो अलग चीज है आप ना कई बार थोड़ा सा ज्यादा आता है आपको फोर लगाते ही सेंटेंस बदल जाएगा दे से मनी फॉर योर मैरिज अब फोर मैरी यू नहीं आ सकता फोर योर मैरिज वो अलग हो जाएगा अब अगर मैं टू के साथ फोर बताऊंगा तो ये बनेगी मिक्स वेज फिर प्रॉब्लम होगी आपको टू ढूंढना फोर ढूंढना और लगाने में कई बार तो मेरा मन करता है जैसे ऐसे कोई बच्चा बीच में थोड़ा सा ज़्यादा आता है उसको बहुत बता रहा हूँ ना मेरा मन करता है मैं भी तीन बता दूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं अगर मैं तीन बताऊँगा कल ये एक भी नहीं बताएंगे एक ही बताओ ताकि ये कल बता दे आंसर दे दे हम टू की बात कर रहे हैं टू किसके लिए यूज होगा यहाँ पे पर्पस के लिए समझ आया पक्का और टू के बाद कौन सी फॉर्म लगती है टू के बाद कौन सी फॉर्म लगती है क्या तुम खाना खाने के लिए जीते हो डू यू ले मैं खाना खाने के लिए नहीं जीता आई डू नॉट लिव टू ईट फूड मैं खाना खाता हूँ जीने के लिए आई ईट फूड टू लिव मैं खाना खाता हूँ एनर्जी लाने के लिए आई ईट फूड टू गेट एनर्जी मैं पढ़ता हूँ पढ़ाने के लिए I study to teach. मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ I beat you. मजा लेने के लिए I beat you to enjoy. क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए लिखते हो Do you write to tease? क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए लिखते हो tease, tease मतलब चिढ़ाना अब मैं कह रहा हूं डू यू राइट आप कहोगे हां जी मैं कहूं मुझे चिढ़ाने के लिए डू यू राइट टू tease, डू यू राइट टू tease, क्या तुम चिढ़ाने के लिए लिखते हो डू यू राइट टू tease, क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए बोलते हो परेशान करना क्या मम्मी लोरी सुनाती है सुलाने के लिए Does mother sing lullaby बोलनी है इसको प्रोनाउंसिएशन बदल दो Does mother sing lullaby बच्चों को सुलाने के लिए टू स्लीप तो खुद सोएगी फिर वो टू मेक चिल्ड्रन स्लीप जैसे खुश करना किसी को और को सुलाना तो मेक लगेगा टू मेक चिल्ड्रन स्लीप क्या पेरेंट्स पैसा कमाते हैं बच्चों को कंफर्ट देने के लिए पेरेंट्स एक होता है भाई पेरेंट्स की बात कर रहा हूं Do parents earn money to give comfort? किसको देने के लिए children. Next rule यही है ये टू क्यों लगा To give comfort to children. इतने टू तो confuse कर देंगे Do parents earn money to give comforts to children? अब ये पहले वाला टू अलग है second वाला टू अलग है दोनों का purpose अलग है पहले ये करते हैं फिर आगे वाला मूवी करेंगे मैं पढ़ने के लिए जाता हूं आई गो टू स्टडी मैं लिखता हूं तुझे तंग करने के लिए आई राइट टू बोदर यू मैं इंग्लिश बोलता हूं आपको इंप्रेस करने के लिए
कोई फायदा नहीं मुझे इंप्रेस करने के लिए बोलते तो। पापा कमाते हैं हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए। पापा अर्न्स मनी टू पूरा करना, टू फुलफिल जरूरत, नीड्स। यहाँ पे नीड नहीं आएगा, नीड्स आएगा, जरूरतें हैं। नीड एक वर्ब होती है, नीड्स कोई चीज होती है। जरूरतें, जरूरतें वर्ब तो नहीं है, क्रिया लग रही है। जरूरतें, मेरी जरूरतें हैं, क्रिया लग रही है। जरूरत क्रिया हो सकती है, बट जरूरतें क्रिया नहीं है। तुम्हारी जरूरतें क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, नीड्स आएगा। क्या आएगा? नीड्स आएगा। तो पेरेंट्स एंड मनी टू फुलफिल नीड्स, टू जरूरतें पूरी करना, टू फुलफिल नीड्स। यहां स्पेलिंग गलत हो गई फुलफिल की। स्पेलिंग ठीक है क्या? ये गलत है, डबल लाइन आएगा ना, पहले वाली सही थी इसका मतलब।